समुराई प्राचीन जापान के वीर योद्धा हुआ करते थे। इन्हें जापान में बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता था। एक समुराई बनने के लिए शरीर व मन को तोड़ देने वाले कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। ये युद्ध के मैदान में हार कर लौटने की बजाय वहीं शहीद होना पसंद करते थे। ये युद्ध में घातक सिद्ध होते थे क्योंकि इन्हें अंदर से शांत और फोकस्ड रहना सिखाया जाता था। इनमें कुछ हद तक जैन की विशेषताएं भी होती थीं क्योंकि ये अपने आप को खराब से खराब परिस्थितियों में भी शांत व स्थिर रखने के लिए ध्यान आदि किया करते थे। एक बार की घटना है, एक समुराई योद्धा जो स्वभाव से घमंडी था, वह एक जैन मास्टर से को देखने आया। समुराई अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन जैन मास्टर की सुंदरता, शांति और वहाँ बैठे लोगों में जैन मास्टर का सम्मान देख वह अपने आप को हीन महसूस करने लगा। उसने गुरु से कहा, मैं हीन महसूस क्यों कर रहा हूँ? अभी एक क्षण पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने आपके दरबार में प्रवेश किया, मुझमें हीन भावना आ गई। मुझे पहले ऐसा कभी नहीं लगा। मैंने कई बार मौत का सामना किया है, लेकिन मुझे ऐसा डर पहले कभी नहीं लगा। अब मुझे डर क्यों लग रहा है? गुरु ने कहा, रुको, जब बाकी सब चले जाएंगे तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। लोग पूरे दिन गुरुजी से मिलने आते रहे। वो समुराई प्रतीक्षा करता करता थकता जा रहा था। शाम तक कमरा खाली हो गया। समुराई ने बोला, क्या अब आप मुझे जवाब दे सकते हैं? गुरु ने कहा, बाहर आओ। पूर्णिमा की रात थी, चांद अभी क्षितिज पर उदय ही हो रहा था। मास्टर ने कहा, इन पेड़ों को देखो, एक पेड़ जो आसमान को छू रहा है और दूसरा पेड़ जो अभी छोटा है। ये दोनों पेड़ परसों से मेरी खिड़की के सामने हैं, लेकिन इन पेड़ों को कभी कोई समस्या नहीं हुई। छोटे पेड़ ने कभी बड़े पेड़ से नहीं कहा कि मैं तुम्हारे सामने हीन महसूस क्यों कर रहा हूँ। ये पेड़ छोटा है और ये पेड़ बड़ा है, लेकिन मैंने कभी इन दोनों पेड़ों की फुसफुसाहट नहीं सुनी। समुराई ने कहा, क्योंकि वे तुलना नहीं कर सकते। गुरु ने उत्तर दिया, तो फिर तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उत्तर पता है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि हम ज़्यादातर लोग यही तो करते हैं, दूसरों से खुद की तुलना। और खुद को दुखी करने का सबसे आसान तरीका है किसी ऐसे व्यक्ति से खुद की तुलना करना जो व्यक्ति आपसे किसी चीज़ में आगे हो। हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति सामने वाले से किसी न किसी चीज़ में बेहतर होता ही है। कोई भी इंसान हर काम में अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए हमें किसी से तुलना करने की बजाय सामने वाले की योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए और हो सके तो उसकी तारीफ भी कर देनी चाहिए। इस कहानी में जैन मास्टर ये भी तो सोच सकते थे कि मैं समुराई जैसा वीर योद्धा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति की प्राथमिकता, रुचि व परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और उसी के अनुसार हर इंसान अपने आप को बनाता है, इसीलिए सभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो इस कहानी से हम यही सीख कर जा सकते हैं कि खुद की दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है, ये केवल हमें दुख ही करता है। और अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने से किसी अच्छे व्यक्ति से उसकी अच्छी आदतों को लीजिए और उन्हें अपने जीवन में अपनाइए और आगे बढ़िए।